देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। डोगरा स्वाभिमान संगठन के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री चौधरी लाल सिंह ने महानपुर में एक बैठक के दौरान केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि वे जम्मू संभाग को राज्य का दर्जा दिलाने के लिए लड़ेंगे। वे पूरी तरह से अपने राज्य में भेदभावपूर्ण राजनीति के खिलाफ लड़ाई छेड़ेंगे। लाल सिंह ने राजनीतिक दलों को निशाना बनाते हुए कहा कि भले ही वे सत्ता में रहे हों या विपक्ष में, उन्होंने जम्मू के लोगों के लिए कुछ नहीं किया और न ही उन्होंने जम्मू के लोगों को नुकसान पहुँचाने का कोई मौका ही छोड़ा है। चौधरी लाल सिंह ने कहा कि सरकार के ऐसे आदेश गरीब और किसान विरोधी हैं जो उसी जमीन पर आश्रित है, इससे वे अपने परिवार का किसी तरह से भरण पोषण करते आ रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि जिस भूमि पर वे पिछले कई वर्षों से खेती कर रहे हैं उसे छीनने का प्रयास किया जा रहा है, इससे बड़ा तानाशाही कदम और क्या हो सकता है। हैरानी इस बात की भी है कि अगर गरीब पहले से ही महंगाई की मार से ऊब नहीं रहे हैं और आए दिन जम्मू कश्मीर में नए नए कानून और आदेश लागू कर जनता को परेशान किया जा रहा है, अब उक्त मुद्दा बर्दाश्त से बाहर हो गया है। जब तक हक नहीं मिलता या आदेश को वापस नहीं लिया जाता तब तक वे संघर्ष जारी रखेंगे। जम्मू से हमारे संवाददाता विकास पंडित की रिपोर्ट। जब आपने और चीजें ऐसे लागू कर दी, इतने इतने बड़े फैसले कर दिए, ये छोटी सी बात करने के लिए तकलीफ क्या है। महाराज रणवीर सिंह साहब का वहां स्टेच्यू लगना था, उनका चौक था अरसपुरा में, रणवीर सिंह पुरा में उनके नाम पे वो गांव है, उन्होंने वहां उनके प्रताप सिंह ने कैनाल बना के उनके लिए बहुत बड़ी नहर बना के अरसपुरा की, रणवीर सिंह का उनके गांव के नाम पे उनका स्टैचू नहीं लगने दिया वहां, उनका जहां सैंक्शन था हटा दिया। और दूसरे जो मैंने महाराज गुलाब सिंह का 75 लाख रुपए दिया हुआ है चौधरी लाल सिंह ने, क्यों दिया 75 लाख? 75 लाख इसलिए दिया कि महाराजा गुलाब सिंह ने जम्मू कश्मीर को 75 लाख से खरीदा था अंग्रेजों से, तो मैंने 75 लाख दिया उसके नाम पे दिया। महाराज गुलाब सिंह 40 फुट का घोड़ा ऊपर बैठे हुए, वो 40 फुट हाइट, 20 फुट और 20 फुट का लगेगा पोडेस्टल, वो पोडेस्टल वो भी पैसे दिए 15 लाख पड़ा हुआ यहाँ, उसके लिए ये लोग गए थे उसका वहां लखनपुर में कि हम इसको स्टैचू लगाएंगे। बूथा देखो थोड़ी तो स्टैचू लगाने, मुंह देखो तुम पल्ले तेला नहीं कर दी मेला मेला है भाई पैसे आपके पास, जो गए थे शक्लें देखी उनकी, महाराज गुलाब सिंह का स्टैचू आपने लगाना है, पैसे दूंगा मैं स्टैचू आप लगा, क्या बात है आपकी। इसलिए भूल जाओ, सारी दुनिया को पता है बनाया हुआ है, जाके स्टैचू देख भी लो और बना है या ये देखिए उसे जाके सड़ा हुआ हमारा। तो जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए एक ही संदेश है, लाल सिंह के साथ दो, सहयोग करो, खड़े हो जाओ, कोई दुख नहीं रहेगा, कोई तकलीफ नहीं रहेगी, बेरोजगारी भागती फिरेगी, नहीं तो ये बेरोजगारी आपकी पलटने बनेगी, पलटने बेरोजगारों की पलटने बनेगी जो ये हालत बना रही है। सरकारी नौकरी बिल्कुल नहीं, प्राइवेट भी खत्म, हालत ये होगी लोगों की। और जिन बच्चों ने काम किए छोटे छोटे ठेकेदारी के कार्ड बना के अभी जो काम किए, पैसे नहीं मिल रहे 400-500 करोड़ रुपया, तो इनका पेमेंट बनी हुई है किसकी, कंट्रैक्टर की, बड़ी डेवलपमेंट कराई पर ला के पैसा नहीं लाया, दो पैसे नहीं पल्लों लाए और कह रहे बड़ी भारी हमने डेवलपमेंट की, पैसे दो, पैसे दो लोगों के। और जो गांव में आपने बेकू बनाया लोगों को, मनरेगा खत्म किया, 16-17 की पेमेंट खत्म की आपने, वहां पिछली लाइबिलिटी खत्म की, और बेचारे गरीबों के मकान आधे बने हैं, ठंड कितनी है, पीएम आईएवाई के मकान थे आपने उसको पैसे 3 किस्तें की थी, चौथी किस्त नहीं दी, और पीएम भाई का भी यही हाल है। बट दिस जितने आपकी स्कीमें सब झूठी, लोगों को सब्सिडी दे रहे हो, पैसे है ही नहीं, बजट डायरेक्टर कह रहा है मेरे पहले पैसे। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।